Hey there, this is CodeCat15 and I wish each and every one of my viewers a very happy new year. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स. जो भी कोड आज के सेशन में होगा वो ऑलरेडी गिटहब और गूगल ड्राइव पे अपडेटेड है और उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन अवर टुडे सेशन. प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर इज अ फीचर इन स्विफ्ट जहाँ पे अगर आपके पास कोई क्लास है, स्ट्रक्चर है और अगर उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ है तो उन प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट होने से पहले या अपडेट होने के बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड रन करना है तो आप रन कर सकते हो. एंड आई थिंक प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर को स्पेशल सिनारियोज में यूज़ करना चाहिए, उसे हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे कि इन दिस एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ अ बैंकिंग एग्जाम्पल. और बैंक में जो सबसे सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है अकाउंट बैलेंस, क्योंकि जब भी आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं या विड्रॉ करते हो आप पैसे तो आपको एक SMS आता है सेइंग दैट यू नो लाइक सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी वाज ईदर एडेड और विड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट. सो आज के एग्जांपल में भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं. आपके सामने जो कोड है इट इज़ हैविंग अ क्लास बैंक जिसके पास एक प्रॉपर्टी है विच इज़ अकाउंट बैलेंस. एंड ओवर हियर यू कैन सी कोई भी आप अकाउंट जब ओपन करते हो तो एक ओपनिंग बैलेंस होता है. सो आई एम असाइनिंग अ डिफॉल्ट बैलेंस ओवर हियर. मेरे पास तीन फंक्शंस है. वन इज़ ऐड मनी. सो ओवर हियर व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक जो भी मैं अमाउंट ऐड करूंगा वो अकाउंट बैलेंस को ऐड हो जाएगी एंड देन आई एम गोइंग टू सेंड अ मैसेज टू द यूजर. जब भी इन विदड्रॉ मनी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट विदड्रॉ करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू सेंड अ मैसेज टू द यूजर. एंड दिस इज द सेंड मैसेज टू द यूजर जहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सोल पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे अबाउट द न्यू अकाउंट बैलेंस. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड रन दिस. सो एज यू कैन सी अकाउंट बैलेंस अपडेटेड, न्यू बैलेंस इज 15,000. जो डिफॉल्ट बैलेंस था वो 10,000 पे ओपन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 5,000 ऐड किया हमारे बैलेंस को. एंड देन यू कैन सी यहाँ पे सेंड मैसेज टू द यूजर एंड द मैसेज गॉट प्रिंटेड दैट द न्यू अकाउंट बैलेंस इज 15,000. सो राइट नाउ एज यू कैन सी द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ऐड मनी और विदड्रॉ मनी में मैंने सेंड मैसेज टू द यूजर यूज किया हुआ है. बट रादर देन डूइंग समथिंग लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स व्हाट यू कैन डू इज लेट से अकाउंट बैलेंस को जब कोई भी नई वैल्यू सेट हो जाती है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से डिड सेट. जब भी अकाउंट बैलेंस को कोई भी नई वैल्यू सेट होगी तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वुड से सेंड मैसेज टू द यूजर. नाउ इन दिस सिनेरियो इट मेक्स मोर सेंस टू यूज डिड सेट बिकॉज डिड सेट क्या करता है. डिड सेट इज अ फीचर इन स्विफ्ट जहाँ पे आपके प्रॉपर्टी को कोई भी नई वैल्यू सेट होने के बाद अगर आपको कोई कोड रन करना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ डिड सेट एंड डिड सेट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट मी गेट रिड ऑफ दिस एंड लेट मी गेट रिड ऑफ दिस. इसे भी निकाल देते हैं. एंड नाउ व्हेन आई रन दिस सो एज यू कैन सी प्रीवियसली हम लोगों ने एड मनी में सेंड मैसेज टू द यूजर कॉल किया था बट नाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर. तो यानी कि अगर मेरे अकाउंट बैलेंस में कुछ भी चेंज होता है, मेरी अकाउंट बैलेंस की वैल्यू अपडेट होती है तो इन दैट केस अपडेट होने के बाद आई कैन रन अ पीस ऑफ कोड विच विल सेंड अ मैसेज टू द यूजर सेइंग दैट द अकाउंट बैलेंस वॉज अपडेटेड एंड हियर इज द न्यू बैलेंस. तो अभी हमने ऐड मनी कर लिया, विल विदड्रॉ सम मनी, लेट्स से 500. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पे आपको दो मैसेज आएंगे क्योंकि दो बार वैल्यू अपडेट हुई है अकाउंट बैलेंस की. सो फर्स्ट टाइम वॉज वेन यू एडेड सम अमाउंट. पहले आपने 10,000 ऐड किया, देन यू एडेड 5,000, सो अकाउंट बैलेंस अपडेट हुआ. सेकेंड टाइम व्हाट यू डिड इज लाइक आपने पैसे विड्रॉ किए एंड नाउ द न्यू अकाउंट बैलेंस इज 14,500. सो दिस इज प्रिटी सिंपल एंड प्रिटी ईजी एंड यू कैन सी दैट दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ यूज केस जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर यूज़ किया है. एंड इट मेक्स मोर सेंस टू यूज प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स इन सिनेरियोस लाइक दिस. अब एक और चीज़ है यहाँ पे विच इज विल सेट. विल सेट यानी कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे प्रॉपर्टी को नई वैल्यू सेट होने से पहले अगर आपको कोई कोड रन करना है तो आप रन कर सकते हो. सो लेट्स से वी हैव अ गिवन सिनेरियो जहाँ पे अगर कोई एक बहुत बड़ी रकम मेरे अकाउंट बैलेंस में ऐड होती है तो उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेरे ऑडिटर्स को नोटिफाई करना है कि एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है. कैन यू प्लीज़ हैव अ लुक इनटू इट सो दैट यू नो लाइक फ्रॉड केसेस कैन नॉट हैपन. सो व्हाट आई विल डू इन दिस केसेस कि यहाँ पे इट मेक्स मोर सेंस टू यूज़ विल सेट क्योंकि अकाउंट बैलेंस बढ़ने से पहले यू विल बी असाइनिंग अ पर्टिकुलर कोड जो आपके ऑडिटर्स को नोटिफाई करेगा सेइंग दैट
like a very huge transaction has happened, please look into it. So what I'll do, I'll create a function similar to send message to user. बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे यूजर की जगह ऑडिटर होगा. सो लेट मी अपडेट द मैसेज. प्लीज चेक दिस अकाउंट एंड मेक श्योर द ट्रांजैक्शन इज ऑथेंटिक. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज ओवर हियर. सो जिस तरीके से आपने कंप्यूटर प्रॉपर्टी में देखा कि एक न्यू वैल्यू असाइन होती है, सो ओवर हियर ऑल्सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज न्यू वैल्यू. तो यहाँ पे अगर आपको न्यू वैल्यू पसंद नहीं है तो मैंने आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टी में भी बताया था कि अगर उसको आप चेंज कैसे कर सकते हो. सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू यूज दिस न्यू अकाउंट बैलेंस बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ पीस ऑफ कोड सेइंग दैट इफ न्यू अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर दैन लेट्स से CR. Then what I want to do is I want to send message to auditors and then probably my auditors can have a look into it. So agar naya account balance hai, agar ek saath itna bada transaction hota hai, to in that particular scenario what I want to do is like I want to send message to the auditors. Well, I think greater than equal to makes more sense. So let's try it out. So what I'll do is let me get rid of this. और यहाँ पे लेट मी रन दिस. अभी देखते हैं क्या होता है. सो सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैसेज गया ऑडिटर्स को दैट प्लीज चेक दिस अकाउंट एंड मेक श्योर द ट्रांजैक्शन इज ऑथेंटिक बिकॉज बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है. और फिर उसके बाद यूजर को मैसेज गया कि द अकाउंट बैलेंस अपडेटेड, न्यू बैलेंस इज दिस मच. सो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि सबसे पहले विल सेट कॉल हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले ऑडिटर्स को एक मैसेज गया, एक नोटिफिकेशन गया, एंड देन योर डिड सेट गेट्स कॉल्ड. सो विल सेट पहले कॉल होता है और डिड सेट बाद में कॉल होता है. विल सेट का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट बैलेंस प्रॉपर्टी है उसको नया वैल्यू असाइन होने से पहले अगर आपको कोई कोड रन करना है तो आप विल सेट में कर सकते हो. और डिड सेट का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी नई वैल्यू असाइन होने के बाद अगर आपको कोई कोड रन करना है तो आप डिड सेट में कर सकते हो. सो एज आई सेड, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिनारियो. यहाँ पे इट मेड मोर सेंस टू यूज प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स. और आपने ये भी देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से डिड सेट और विल सेट का यूज किया यहाँ पे. सो ये तो हो गया क्लास का एग्जाम्पल. अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, कि स्ट्रक्चर्स में अगर आपको डिड सेट और विल सेट यूज करना है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ बैंक. और क्योंकि ये बैंक है, लेट मी कमेंट दिस आउट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट एन एरर. और यहां पे मैं अकाउंट बैलेंस यूज करने वाला हूं. एंड ओवर हियर लेट मी डू वन थिंग, बेस्ट इज इफ आई कॉपी पेस्ट. परफेक्ट. नाउ इन दिस सिनेरियो एज यू कैन सी that you're getting an error, क्योंकि जब आप अगर structure use कर रहे हो तो by default जो भी आप function declare करते हो उस function में अगर आप structure में जो भी property है उसे change करते हो तो आप change नहीं कर सकते. The reason is structures are value type. And what does that mean? That means कि आप structure में कोई भी property assign करते हो तो उस property को आप उस function के अंदर change नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वट यू हैव टू डू इज अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, अगर आप स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज करते हो और उसमें आप प्रॉपर्टीज है आपके स्ट्रक्चर में और आप अगर आपको वो प्रॉपर्टी को चेंज करना है, सो इन दिस केस वट यू कैन डू इज यू कैन डिक्लेयर द फंक्शन एज म्यूटेटिंग. मैंने स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में डिस्टिंग्विश का भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि वाई क्लासेस आर कॉल्ड एज रेफरेंस टाइप एंड वाई स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वैल्यू टाइप्स. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन क्लिक ऑन द आई बटन ऑन द राइट हैंड साइड एंड देन यू कैन गो अहेड एंड सी दैट वीडियो. So let's get back to this. Over here also I'm going to do probably the same thing. So let me just copy this. And let me get rid of this. Yahan pe main sirf ek debug print karunga ki new account balance is equals to and this is new account balance. And now again I'm going to copy paste.
And then now over here, what you see is like I have created a bank object, or यहाँ पे opening balance है, which is 1000. Oh wait, we don't have an opening balance. These are some of the drawbacks of copy pasting. मैं हर video में copy paste करता हूँ, और हर video में copy paste की वजह से मेरे को issues आते हैं. So you have an account balance, and let's say this account balance is 10,000. But यहाँ पे एक problem है, यहाँ पे अभी भी, as you can see, कि क्योंकि हमने structures use किया हुआ है, cannot use mutating member on immutable value. Bank is a let constant, which means कि यहाँ पे आप क्या use कर रहे हो, add money. And what is add money? Add money is a mutating function. और आपने यहाँ पे bank को declare करते हुए क्या use किया? Let. Let is a constant. Mutating means you can change. Let means you cannot change. और आप कौन सा function call कर रहे हो? A mutating function. So what you can do is you can use var over here in order to avoid that error. And now I think everything will be okay. And now when I run this, eventually you can see new account balance is equals to 15,000, account balance updated, new balance is 15,000. So yahan pe sabse pehle will set call hua, and then did set pe send message to the user call hua. So this was one of the examples on how you should be using property observers. Hum logon ne aaj isme ek aur nayi cheez seekhi ki mutating functions kya hai, and mutating is a very interesting topic. So in the case of structure, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से if you want to change the property inside a structure, we need to use mutating. In the case of class, जब हमने class का example देख रहे थे, तब हम लोगों ने कहीं पे भी mutating keyword का कहीं पे भी use नहीं किया. So this is one more difference between classes and structure. So as I said, if you want to use property observer, it completely depends upon the use case. Account balance बहुत ही sensitive property है किसी भी bank के लिए. जब भी account balance change होता है, तो उस केस में यूजर को मैसेज जाना चाहिए, एंड हेंस इट मेड मोर सेंस टू यूज प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स इन दिस केस. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस सेशन. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब. दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे. हैप्पी आई कोडिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय.